फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको कल के वीडियो में ये बताया था कि सऊदी अरब की सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि वह अपने यहाँ पर 15 तारीख से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर रही है, तो उसके बाद सभी लोगों के ये सवाल आ रहे हैं कि इनमें किन किन लोगों को सऊदी में जाने की परमिशन मिलेगी और इसके अलावा कौन सी एयरलाइंस कंपनी ऑपरेट होगी और इसमें कितना समय और लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो हम अभी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत से लोगों को जाने की परमिशन मिल रही है, लेकिन उसके लिए सऊदी अरब की एम्बेसी से परमिशन लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस पूरी न्यूज़ को हम अभी आपको डिटेल में बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ से आई है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस न्यूज़ के अनुसार ये बात बताई जा रही है कि सऊदी की सरकार भारत से लोगों को आने की परमिशन दे रही है और ये स्पेशल फ्लाइटों के जरिए ही परमिशन दी जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें सभी लोगों को अभी आने की इजाज़त नहीं होगी, केवल कुछ ज़्यादा ज़रूरत वाले लोगों को ही आने की इजाज़त मिलेगी और बाकी के दूसरे लोगों को नवंबर महीने तक आने की परमिशन मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये जानकारी खुद सऊदी अरब के एम्बेसडर ने फॉर्मल ड्यूटी चेयरपर्सन को बताई है। उन्होंने ये भी बताया है कि डॉक्टर नर्स को आने की इजाज़त अभी से दी जा रही है। इसके अलावा यदि आपकी कंपनी आपको बुलाना चाहती है तो वो सऊदी मिनिस्ट्री से संपर्क करके आपको बुला सकती है। इस समय मौजूदा हालात में सऊदी की बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने लोगों को भारत से बुलाना चाहती है। जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तब लाखों लोग सऊदी से भारत आ गए थे, लेकिन अब वहाँ की कंपनियां अपने काम को दोबारा से शुरू करने के लिए इन सभी लोगों को वहाँ पर बुलाना चाहती है। यदि आपकी भी कंपनी आपको बुलाना चाहती है तो आपको सबसे पहले सऊदी की मिनिस्ट्री से संपर्क करना पड़ेगा और वहाँ से परमिशन मिलने के बाद ही आप ट्रैवल कर सकेंगे। इसके अलावा बाकी जो लोग बचे हुए हैं उन सभी लोगों को नवंबर महीने तक पूरी परमिशन मिल जाएगी, यानी कि नवंबर महीने तक सभी तरह के लोग सऊदी में ट्रैवल कर सकेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़ हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, जहाँ पर जाकर आप इस न्यूज़ की खुद से भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ये न्यूज़ इंग्लिश में है, यदि आपको हिंदी में चाहिए तो आप इंडियन फ्लाइट स्टेटस पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये न्यूज़ हिंदी में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतनी जानकारी थी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।